देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या सुधारा। और हम लोग मेरा मान मेरा संविधान नारे के साथ इस लड़ाई को लड़ने का। आपका और राघव नगर पार का तीसरा मुकाबला है, 14 में आपका मुकाबला हुआ, 4 लाख का रिपोर्ट मिली, 6 में बसपा 20 में आ गई, अब 2024 है, कैसे मुकाबला कैसे? 6.5 लाख के बाहर जाएंगे, 4 लाख। 27 मार्च को डिप्टी सीएम राहुल आते हैं, 28 मार्च को सीएम आते हैं, 2 महल प्रस्तावित रही है, क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट क्या है जो इतने बड़े बड़े क्षेत्र चुनाव से ऐसा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आ रही है, पूरे देश में आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का नतीजा है कि इस प्रकार से ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग पूरे देश के अंदर करने का काम कर रहे हैं। इमरान मजदूर को पहले से ही भारत के लोगों से प्रेम मिलता है, 2024 में कैसे देखने को मिल रहा है? अपार प्रेम। 1989 के बाद यह पहला चुनाव होगा जिसमें हर जाति हर धर्म का वोट इंडिया गठबंधन को मिलने का काम होगा। संविधान को लड़ने वाली पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, संविधान की बात करने वाली। देखिए, वो मुद्दे से भटक गई है, वो अपने मुद्दे से भटक गई है। जब देश का संविधान खतरे में, और मैं नहीं कह रहा हूँ, एनजी ने भी बयान दिया कि संविधान खतरे में, और संविधान खतरे में, और जो संविधान को बदलना चाहते हैं आप अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद करने का काम कर रहे हो। सबने कोशिश की कि आप इंडिया गठबंधन में आओ, आपकी हट है, आपकी सीधे के मैं अकेला लड़ूंगी, अकेला इसलिए लड़ूंगी कि आपके अकेला लड़ने से कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा हो जाए। देश में पहली बार नगर विधायक ने मंच से खुले तौर पर कहा था कि हमने वो हत्या कराई है, उन्हें ऊपर पहुंचा है, 2024 में मुख्तार साहब बहुत लिया, उनकी कैसे देख रहे हैं, कब तक राजनीति चलेगी? अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए, और क्या कह सकता हूँ, राजनीति कब तक चलेगी? पहुंच के ऊपर राजनीति करना ये उनका काम है, हमारा काम नहीं। देश के चुनाव से पहले इन्हीं दिनों अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है, और अब मुख्तार अंसारी की मौत होती है, क्या कहेंगे इस पर, किस तरीके से राजनीति भी की जा रही है? देखिए, मौत के ऊपर राजनीति करने वाले लोग जो लाश के ऊपर राजनीति करते हैं वो बहुत खराब चीज है। मौत के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो किसान भाई का कत्ल हुआ, उसके जो मौत हुई है उसकी हमें सख्त अफसोस है। हमारे साथ ही एमएलए थे, निश्चित रूप से हमारे उनसे संबंधित है, बहुत अफसोस है। नेता जी, आप संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या शोर कर रहे हो? हाँ नेता जी, आप लगातार कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में वोट का अधिकार छीनने की क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने क्या कहा है, एक बात तो सुनिए, इनके आर्थिक सलाहकार ने बयान दिया, और एक आर्टिकल बाकायदा द हिंदू के अंदर छपा, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 1972 का केशवानंद भारती केस, जिस केस को फुल बेंच की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि संविधान के अंदर किसी भी मूल के अंदर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, और उनका बयान था कि ये केस हम पर लागू नहीं होगा क्योंकि हम संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, हम संविधान बदलने जा रहे हैं। उसके बाद अनंत हेगड़े साहब ने बयान दिया कि आप हमें 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, तो इसके बाद कौन सी गुंजाइश है? बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं हमारे साथ प्लस वोट है। भाई प्लस हो या माइनस हो वो तो बात की बात है, पहले तो बताइए कि आप भाजपा के साथ प्लस हो तो हम क्या करें आपका, आप तो भाजपा के साथ प्लस हो, आप हर चुनाव में तो भाजपा को वोट देते हो, अभी 15 दिन पहले लोकसभा का राज्यसभा का चुनाव था, तब भाजपा को वोट दे दिया।